मैं जूही जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद लेह पहुंचना। आप समझिए इस खबर के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं और उनके साथ बिपिन रावत भी मौजूद हैं। आपको याद होगा पहले रक्षा मंत्री के वहां पर पहुंचने की जानकारी मिली थी कि खुद वो जाकर वहां पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत और चीन के बीच लगातार हम तनाव की स्थिति देख रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर खुद पहुंचना ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। तो पहले राजनाथ सिंह के बारे में जानकारी मिल रही थी कि रक्षा मंत्री वहां पर जाएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ, और उसके बाद हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि ये उनकी जो लेह दौरा है वो अभी उसको लेकर पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत वहां पर पहुंचे हैं लेह में, और आप देख रहे हैं वहां से ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचकर ये 2019 की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। भारत चीन के बीच हम लगातार जिस तरह से तनाव देख रहे हैं और बहुत बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। आपने देखा है कि जो 59 चीनी ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अब चीन को दूर रखने का फैसला लिया गया है। डिप्लोमेटिक तौर पर हम देख रहे हैं चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। जो हांगकांग का मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया है, और ये हमने आपको जानकारी दी थी कि रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगे लेह में, लेकिन वो दौरा उनका रद्द कर दिया गया या पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन ये देखिए, ये बहुत बड़ी तस्वीर कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं वहां पर, और वहां पर वो सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। और जो भारत और चीन के बीच लगातार आप टकराव देख रहे हैं, जो सीमा विवाद जिस तरह से बना हुआ है, उनका लेह पहुँचना यहाँ पर बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हमने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि जो गलवान के जो बलवान हमने देखे हैं, जिस तरह से वहां पर डटे रहे हमारे सैनिक और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब चीन के सैनिकों को दिया, तो न सिर्फ जो सैन्य स्तर पर मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया गया है, लगातार हम देख रहे हैं सरकार की ओर से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आर्थिक चोट चीन को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर उसको प्रहार किया जा रहा है जहां पर चुभन चीन को सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिन सैनिकों की शहादत हुई है उसका बदला लेने की ठान ली है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये आप समझ सकते हैं जो उनके भाषण रहे हैं, जो मन की बात में भी उन्होंने बात कही कि हम अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात वो लगातार कर रहे हैं, स्वदेशी को हमें बढ़ावा देना है। तो चीन से निपटने के लिए जो पूरी रणनीति है वो हम देख रहे हैं कि चीन को किस तरह से घेरा जाए, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, आप देख रहे हैं जी न्यूज की ओर से भी इस मुहिम की शुरुआत की गई है कि मेड इन चाइना को कमजोर करना है और मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना है। और इसी तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए ये जो कड़ी आगे जुड़ रही है, ले पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों को उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ये देखिए पहले की तस्वीरें, ये भले ही हैं लेकिन हम अगर इतिहास के पन्नों को पीछे पलट के कोशिश करें तो ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि सुरक्षा बलों का ढाढ़स बंधाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं ताकि सुरक्षा बलों का मनोबल जो है वो कभी भी ना टूटे। और जब टकराव की स्थिति चीन के साथ जिस तरह से बनी हुई है, ऐसे मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह पहुंचना बहुत बड़ा संदेश देता है। इस वक्त सचिन अरोड़ा लेह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन अरोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है, पहले की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो 2017 हो, 2019 हो, सुरक्षा बलों के हौसले को बढ़ाने की बात हो तो वो हमेशा सुरक्षा बलों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते रहे हैं। और आज की तारीख में जब इतना टकराव, इतना तनाव चीन के साथ बना हुआ है, लेह पहुंचकर बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक मजबूत नेतृत्व,
एक मजबूत संदेश। जाहिर सी बातें मेहमान साहब, और इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आना है और CDS आएंगे। फिर ये खबर आई कि राजनाथ सिंह का दौरा जो है किसी कारणवश टल गया है और सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएंगे। फिर ये भी कहा गया कि सिर्फ थल सेना अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो इस वक्त हमारी बात हुई है कि सुबह सुबह ये मंत्रणा हुई है कि प्रधानमंत्री कुछ जाना चाहते थे, उनकी ये बात हुई तो सुबह ही ये कार्यक्रम बना है और सुबह 8:15 बजे के करीब उनका ये कार्यक्रम बना। और इस वक्त प्रधानमंत्री जो है ले पहुंच चुके हैं, वो घायल जवानों से मिलना चाहते थे जिस आर्मी हॉस्पिटल में, मेरे पीछे यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल में, चाहूंगा कि एक बार आपको मैं ये ले दिखाऊं और थोड़ा सा मेरे दर्शक समझ पाए कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से कहां। ये मेरे पीछे अगर आप वो जो पीली बिल्डिंग देख रहे हैं उसके पीछे ही आर्मी हॉस्पिटल है जहां पर कुछ घायल जवान मौजूद है, जहां पर आर्मी चीफ आए थे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ देर बाद पहुंचेंगे क्योंकि वो खुद मिलना चाहते थे। और मेरे पीछे जो है वो आर्मी बेस है, वहां पर कुछ खुद टॉप कमांडर से वो बात करना चाहते थे। 14 कोर यहां पर है, उसके चीफ से मिलना चाहते थे, सैनिकों का हौसला अफजाई करना चाहते थे। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री यानी कि खुद देश का चीफ इस वक्त यहां पर ले पर मौजूद है जिस वक्त सिचुएशन टेंस है, जिस वक्त ये कहा जा रहा है। बहुत सी बातें मेहमान साहब, इसे ऐसे भी देखा जाए कि बहुत सी बातें उठी, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री सैनिकों के बारे में नहीं बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ 20 जवान सैनिकों की शहादत की बात की। और उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लड़ाइयां ऐसी है जो कि चुपचाप लड़ी जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे कैसे जो है चीजों को समझते हैं, माइन्यूटली चीजों को करना जानते हैं। देखिए सचिन, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जी न्यूज़ इकलौता ऐसा चैनल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं तो वहां से हमारे दो संवाददाता आप देखिए, इस वक्त सचिन को आप सुन पा रहे हैं, विशाल पांडे जो लगातार हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, और आप देख रहे हैं जो भारत चीन के बीच ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से सैन्य तौर पर वहां पर मजबूती दिखाई दे रही है, सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए कमांडर से वहां पर बातचीत करने के लिए खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। विशाल पांडे, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले पहुंचकर? पहले तो जानकारी मिल रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे बिपिन रावत जी के साथ, लेकिन अब तो खुद पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अचानक से कार्यक्रम कैसे बना? देखिए बिल्कुल मेहमान साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सीधा संदेश देना चाह रहे हैं चीन को कि भारतीय सेना के साथ इस वक्त की ये सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और सरकार के मुखिया जब लद्दाख पहुंच रहे हैं और LAC पर जो हमारे जवान थे जो घायल हुए थे गलवान में, इस वक्त जो लेह के अस्पताल में एडमिट है, जब उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो ये हौसला अफजाई है, उन जवानों का सम्मान है और सीधा संदेश है चीन को कि ये नया भारत है और ये भारत सरकार का जो मुखिया है वो खुद ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लेता है और वो अपनी सेना को खुली छूट देता है। और आज CDS बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं, अचानक यह दौरा बना है, कोई प्लान दौरा नहीं था। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर आना था, कल पता चला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा कैंसिल हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब लद्दाख यहां पर आज पहुंचे हैं अचानक, तो यह बिल्कुल साफ सीधा संदेश है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी मन की बात में या इससे पहले जो उन्होंने संदेश दिए थे उसमें साफ कर दिया था कि यह नया भारत है, यह मित्रता निभाना भी जानता है तो दुश्मनों से आंख मिलाना भी जानता है। यानी कि चीन के लिए यह सीधा संदेश है कि अब आपको पहले जैसी छूट बिल्कुल भी LAC पर नहीं मिलने वाली है, सरकार और सेना दोनों एक साथ यहां पर मौजूद हैं और जो भी फैसले लेने होंगे उसके लिए सेना को खुली छूट दे रखी है। जब CDS यहां पर साथ में प्रधानमंत्री की मौजूद है, वो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिरकार LAC पर एक्चुअल स्थिति क्या है, हमारी पोजिशनिंग क्या है। प्रधानमंत्री मोदी एक एक चीज का जायजा लेंगे और वो ये भी समझेंगे कि आखिरकार इस वक्त क्या कुछ LAC पर चल रहा है, क्योंकि 3 दौर की बातचीत कमांडर स्तर की हो चुकी है चीन के साथ में, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत लगातार चीन के साथ चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो कल 2-3 दिनों में ये खबरें आई थी कि चीन लगातार LAC पर भारी तैनाती कर रहा है, अपने सैनिकों की मिसाइल तैनात कर रहा है चीन, पाकिस्तान की मदद ले रहा है चीन, जो यहां पर लद्दाख से सटा हुआ POK का इलाका है वहां पर बेस तैयार कर रहा है, इन सब के बीच भारत अपनी तैयारी किस तरह कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर ले पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री मोदी खुद एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करेंगे, एक एक चीज की जानकारी लेंगे और सबसे बड़ी बात जो हमारे सेना के जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इस वक्त अगर सरकार का
मुखिया लेह में मौजूद है, लद्दाख में मौजूद है, तो ये सीधा संदेश जाता है कि सेना के जवानों को खुली छूट है, सेना के साथ में सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश पूरी तरह से साफ है कि चीन अब आपको पीछे जाना होगा, आप सुधर जाइए, पहले वाली हरकतें अब आपकी बर्दाश्त नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री मोदी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं लेह में पहुंचकर, क्योंकि एलएसी पर जो हमारे जवान तैनात हैं, गलवान में उन्होंने अपना पराक्रम दिखा दिया है, पेंगयोंग में हमारे जवान पूरी तरह से तैनात हैं, देपसोंग में के आसपास जो डीबीओ का इलाका है वहां पर हमारे जवान पूरी तरह से तैनात है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर 14 कोर के जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक एक चीज की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, तो ये चीन को सीधा संदेश है कि नया भारत भारतवासियों को संदेश नहीं है कि जो सरकार है वो सेना के साथ इस वक्त मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ये संदेश चीन के लिए भी है और ये पूरी दुनिया के लिए भी संदेश है कि किस तरह से मजबूती के साथ जो सरकार है उसने सेना को खुली छूट दी हुई है अपने फैसले लेने के लिए, और जो भी वो फैसले लेती है उसमें सरकार उसका साथ देने के लिए तैयार है, सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। सचिन, उनके कार्यक्रम के बारे में और कुछ डिटेल्स मिल पाए हैं? वहां पर जो घायल सैनिक हुए हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी चीन से डील करने की, इसको लेकर भी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। अब मेहमान साहब, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगाइए ना कि सुबह जब ये खबर आती है आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक सरप्राइज आती है, हमारे लिए भी सरप्राइज आती है। हम ये कह सकते हैं कि इसे एक भावुक और इसे कम से कम एक एक, एक पर्सनल विजिट के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री का कोई विजिट पर्सनल नहीं होता, लेकिन पर्सनल इसे जब वो हर दिवाली जो है अपना हर त्यौहार जो है जवानों के साथ मनाने, यहाँ पे इससे पहले 2017 में भी वो आए थे, जब हर त्यौहार जो है जवानों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, हर खुशी जवानों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं, जब इस वक्त जब उनके जवान घायल थे, वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जाते नहीं है लेकिन उससे पहले पूरा कार्यक्रम आ जाता है कि वो किस वक्त जाएंगे, किसके साथ बैठेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कैमरा कैसे फॉलो करेगा। और देखिए, कैमरा क्या किसी एजेंसी तक को भनक नहीं लगती है, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाते हैं। सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज की मंत्रणा की गई कि प्रधानमंत्री जाना चाहते थे, अब से पहले रक्षा मंत्री ने आना था, रक्षा मंत्री का दौरा किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है और यह कहा जाता है कि कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, एक दो दिन में है, दोबारा उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। सीडीएस की जाने की बात होती है लेकिन प्रधानमंत्री के मन में आप देखिए उस दिन से यह बात कितनी कचोट रही होगी कि वो लगातार मिलना चाहते होंगे उन घायल सैनिकों से। यहां पर घायल सैनिकों का मनोबल उस वक्त हमने जब बात की थी इतना बढ़ गया था जब यहां पर खुद सेना प्रमुख आए थे, उन्होंने कहा कि एक हफ्ता नहीं बीता अभी गलवान हुए और सेना प्रमुख हमसे मिलने के लिए आ गए, और अब अंदाजा लगाइए जब प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए आएंगे, जब वो यहां पर बात करेंगे, जब वो उनको कहेंगे कि देखिए देश जो है आपके साथ खड़ा है, और जिसका जिक्र बहुत इस तरीके से किया जा सकता है कि आपकी सेना जब पूरे तरीके से तैयार हो, सेना को फ्री हैंड दे रखा हो, रक्षा मंत्री इस बात की साफ स्पष्ट कर चुके हो, वहीं आपका जो है राजनीतिक चीफ, आपके देश का चीफ जो है आकर के आपके साथ कंधे के कंधा मिला करके सेना के साथ खड़ा हो जाए, ये कहे कि आप जो भी कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं। अब इसका संदेश देखिए चीन में किस तरीके का जाएगा। एक तरफ वो सरकार जहां पर अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है या फिर बताने को तैयार नहीं है कि उसके कितने जवान या कितने सैनिक मारे गए, उनकी सेना में गुस्सा है, वहां शी जिनपिंग जो है, जहां वो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो चीफ हैं या फिर जो उनकी पार्टी के चीफ हैं, वो ओन ही नहीं कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के या फिर उनकी सेना के लोग मारे गए हैं, वो अपनी सेना को तक को ओन नहीं करते हैं। ऐसे में ना केवल सेना को ओन करना बल्कि उनके साथ खड़ा रहना और ये बताना कि देखिए बहुत बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है सचिन। हमारे साथ कर्नल तेज चिक्कू भी हैं, कर्नल तेज चिक्कू, प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं सरप्राइजेस देने के लिए, और देखिए ये इतना बड़ा सरप्राइज आज कि पहले राजनाथ सिंह जी की बात हो रही थी और खुद प्रधानमंत्री अचानक से ये कार्यक्रम बनाते हैं और लेह पहुंच जाते हैं। आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, आप जरा वो फीलिंग आप बता सकते हैं कर्नल तेज चिक्कू आज कि आज जो वहां पर सैनिक मौजूद हैं सीमा पर लगातार जो डटे हुए हैं मुस्तैद हैं, उनको कितनी मजबूती मिलेगी कि जो देश का मुखिया है वो आज आया है उनसे मिलने के लिए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर आपने उनका जो काम करने का तरीका है पिछले 7 साल से अब हुकूमत कर रहे हैं, वो जो उनका काम करने का तरीका है और उनका जो स्वभाव है, ही वो जैसे इंडियन आर्मी के अंदर जो लीडर होता है लोवेस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक, और उस लेवल पर जब लड़ाई होती है तो लीडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और मोदी जी का भी यही एक स्वभाव है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट।
तो देयरफॉर अगर अगर ये बात है, और ये बात पहली बार नहीं दिखाई जा रही है, कई बार प्रधानमंत्री ने ये बात पूरे विश्व के सामने, विश्व को मालूम है इस चीज़ के बारे में, तो जब उनकी सेना एक बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना कर रही है, जब हमारे हमारी आर्मी का नुकसान हुआ और उन्होंने दुश्मन के ऊपर उससे डबल नुकसान पहुंचा दिया, तो हर एक देशवासी और खासकर फौजी जो गलवान में लड़े, तो वो इस बात की हमेशा तवक्कुर रखते थे कि प्रधानमंत्री हमारे पास आकर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और यही काम करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।